गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी सेकंड ईयर में अपनी यूनिट चल रही थी, यूनिट थर्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके अंदर अपने कल की क्लास में किया था कि फोर नाम की सहायता से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईपीसी नाम था, उस नाम की सहायता से हमने लिखा था उसका फॉर्मूला। ठीक है, अब आज का हमारा टॉपिक रहेगा आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यानी हमें क्या पढ़ने, यहाँ पे समावयवता पढ़नी है। ठीक है, उप सह संयोजक यौगिकों में जो समावयवता है वो यहाँ पे पढ़नी है। सबसे पहले इसमें आएगी समावयवता की डेफिनेशन की समावयवता होती क्या है। तो इसमें लिखा जाएगा कि वे यौगिक जिनके फॉर्मूला या क्या जो सूत्र होते हैं वो क्या रहेंगे, समान रहेंगे, लेकिन उनकी संरचना सूत्र या फिर उनकी जो विभिन्न प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या रहें, अलग अलग होती हैं। तो ऐसे यौगिकों को आपस में समावयवी यौगिक तथा इस घटना को हम समावयवता कहते हैं। ठीक है, इसमें ये लिखा जाएगा कि वे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन उनके संरचना सूत्र या संरचना बनाते हैं, लेकिन उनकी संरचना, उनके भौतिक गुण या उनके रासायनिक गुण आदि के मान अलग अलग होते हैं, उन यौगिकों को आपस में समावयवी यौगिक तथा उस घटना को या इस गुण को हम समावयवता कहते हैं। इसलिए ये अणु सूत्र समान रहेगा और संरचना सूत्र यानी स्ट्रक्चर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज, इनके मान क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। तो ऐसे यौगिक आपस में समावयवी तथा इनके इस गुण को या फिर इस घटना को हम समावयवता कहते हैं। ठीक है, ये रहेगी आपकी सबसे पहले समावयवता की डेफिनेशन। उसके बाद में लिखा जाएगा इसके अंदर कि जो ये उप सह संयोजक यौगिक होते हैं, इन उप सह संयोजक यौगिकों में समावयवता कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो उप सह संयोजक यौगिकों में समावयवता है वो कितने प्रकार की रहेगी आपकी, दो प्रकार के माने या फिर कितने प्रकार की रहेगी, तीन प्रकार की रहती है। ठीक है, इसके अंदर आएगा उप सह संयोजक यौगिकों की जो समावयवता है मुख्य रूप से हम दो प्रकार के माने थे। तो इसमें लिखा जाएगा उप सह संयोजक यौगिकों में मुख्य रूप से दो प्रकार की समावयवता पाई जाती है, उन दोनों के आगे कई प्रकार रहेंगे। ठीक है, मुख्य रूप से हम दो प्रकार की समावयवता मानते हैं। जिसमें लाइन लिखी जाएगी उप सह संयोजक यौगिकों में निम्न दो प्रकार की समावयवता पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट रहेगी आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसको बोलेंगे हम संरचनात्मक समावयवता, और सेकंड रहेगी आपकी स्टीरियो आइसोमेरिज्म, सेकंड रहेगी स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसको हिंदी में बोलेंगे हम त्रिविम समावयवता। ठीक है, तो उप सह संयोजक यौगिकों में निम्न दो प्रकार की समावयवता पाई जाती है, संरचनात्मक समावयवता, सेकंड रहेगी इसमें त्रिविम समावयवता। अभी जो संरचनात्मक समावयवता है उसके आगे कई पार्ट्स होंगे, और वैसे ही ये जो त्रिविम समावयवता है उसके भी आगे दो पार्ट्स रहेंगे। त्रिविम समावयवता के दो पार्ट्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यानी प्रकाशिक समावयवता और ज्यामिति समावयवता रहेगी। और स्ट्रक्चरल के अंदर हाइड्रेट समावयवता, आयनीकरण समावयवता, बहुलीकरण समावयवता है वो रहेगी। तो हमें इन दोनों को पढ़ना है, पहले स्ट्रक्चरल को पढ़ेंगे, फिर इसके प्रकार पढ़ेंगे, उसके बाद में त्रिविम समावयवता पढ़ेंगे और इसके प्रकार पढ़ेंगे। तो आप एक नंबर पे इसमें वापिस हेडिंग लिखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट रहेगी इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में देखो क्या लिखा जाएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ये लिखा जाएगा कि वे यौगिक जिनके मोलिक्यूलर फॉर्मूला या अणु सूत्र तो समान होते हैं लेकिन उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला
स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होते हैं उन्हें संरचनात्मक समावेवी तथा इस गुण को संरचनात्मक समावेयता कहा जाता है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या लिखा जाएगा कि वे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन उनके संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं। तो संरचना सूत्र अलग अलग हो गए तो उनके जो भौतिक और रासायनिक गुण है वो भी क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो वे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन उनके संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं वे यौगिक आपस में संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं तथा इनके इस गुण को संरचनात्मक समावयवता कहा जाता है। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम लिखते हैं कि संरचना उप सह संयोजक यौगिकों में संरचनात्मक समावयवता निम्न प्रकार की होती है। क्या लिखेंगे इसमें कि उप सह संयोजक यौगिकों में संरचनात्मक समावयवता निम्न प्रकार की होती है। ठीक है, अब देखनी अपने को संरचनात्मक समावयवता पढ़नी है। इसके अंदर इसके पार्ट्स हैं पांच छह, वो पढ़ेंगे। संरचनात्मक समावयवता निम्न प्रकार की होती है। ठीक है, इसमें फर्स्ट पढ़ेंगे हम पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। संरचनात्मक समावयवता का फर्स्ट पार्ट रहेगा पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। इसको हिंदी में बोलेंगे बहुलकीकरण या बहुलीकरण समावयवता। ठीक है, इसको बोलेंगे हम बहुलकीकरण या बहुलीकरण समावयवता। ठीक है, इसके अंदर देखो क्या होगा, इसके अंदर होता है कि जो इनका मूलानुपाती सूत्र होता है, इन यौगिकों का जो मूलानुपाती फॉर्मूला होता है, मूलानुपाती फॉर्मूला 11th क्लास में था आपके कि मूलानुपाती फॉर्मूला है वो क्या होगा। क्या तो वे यौगिक जिनके मूलानुपाती सूत्र तो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, लेकिन उनके जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद देखना आप इसके लिए में से एग्जांपल में लेखें। जैसे आप एग्जांपल रहेगा इसका प्लेटिनम NH3 2 Cl2, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है प्लेटिनम का। उसके बाद में दूसरा कंपाउंड इस प्रकार से आ जाएगी PT NH3 4 और PT Cl4 है। तो यही सेम, ये प्लेटिनम है, ये NH3 है, ये Cl4 है, Cl है। मूलानुपाती सूत्र का मतलब ये है कि जो अवयव या जो अणु इसमें है वे अणु इसमें रहेंगे। जैसे इसमें प्लेटिनम NH3 Cl है, इसमें भी प्लेटिनम NH3 और Cl ही है, लेकिन इनकी संख्या जस्ट क्या होगी, डबल होगी। यानी इसमें क्या होगा, ये इसके दो अणु आपस में मिलकर ये बना लिया, तो इसका क्या हो गया, पॉलीमराइजेशन हो गया, द्विलकीकरण हो गया, यहाँ पे डाइमराइजेशन। प्लेटिनम दो बन गए, किसके साथ आ गया, दूसरा इसके साथ आ गया, NH3 चार बन गए और Cl भी क्या बन गए, चार हो गए। तो इन दोनों का मूलानुपाती सूत्र समान ही रहेगा ना, जैसे ये है, इन दोनों का मूलानुपाती सूत्र रहेगा PT NH3 और Cl, ये रहेगा इसके अंदर। क्योंकि इसमें क्या आता है कि प्लेटिनम NH3 Cl तीन से मिलके बने हुए हैं दोनों, ये दोनों ही, इन दोनों का मूलानुपाती फॉर्मूला ये रहेगा, ये वाला भी इन्हीं से मिलके बना है और ये वाला भी इन्हीं से मिलके बना है। ठीक है, तो वे यौगिक जिनके मूलानुपाती सूत्र समान होते हैं लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट अलग अलग होगा, इसके स्ट्रक्चर अलग बनेगी, इसके स्ट्रक्चर अलग बनेगी दोनों की। ठीक है, जो इसके अंदर तो जस्ट इससे डबल है जो मॉलिक्यूल है वो। तो वे यौगिक जिनके मूलानुपाती सूत्र समान होते हैं लेकिन उनके संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं वे यौगिक बहुलकीकरण समावयवी तथा इस समावयवता को बहुलीकरण समावयवता कहा जाता है। और ऐसे यौगिकों में जो प्रॉपर्टी जो डिफरेंट होती है वो क्या रहेगी, इसका मॉलिक्यूलर मास और इसका मॉलिक्यूलर मास अलग रहेगा, इसका मॉलिक्यूलर मास और इसके मॉलिक्यूलर मास से क्या रहेगा, डबल रहेगा, क्योंकि तो इसके अंदर मॉलिक्यूल भी क्या है, डबल है। तो ऐसे बहुलकीकरण समावयवता में समावयवी यौगिकों के
मोलिकुलर मास या अणु भार अलग अलग होते हैं। ये एक लाइन लिखना, इसके बाद ये समावयवता की डेफिनेशन लिख रहे हैं घोलकीकरण की, उसके बाद में ये दो एग्जांपल लिखना है, ये इनका मूलानुपाती सूत्र रहेगा। उसके बाद नीचे लिखना है कि घोलकीकरण समावयवता में समावयवी यौगिकों के अणु भार यानी मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास है वो क्या रहेंगे, अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये रहेगी आपके बहुलकीकरण समावयवता, लिखें इसको। सेकेंड देखें, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का सेकेंड टाइप रहेगा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, इसको बोलेंगे हम आयनीकरण समावयवता। ठीक है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म इसको कहा जाएगा आयनीकरण समावयवता। ठीक है, देखिए इसके अंदर समावयवता में क्या होता है कि वो आ गया था इसमें कि स्ट्रक्चरल समावयवता का एक प्रकार है तो सेम क्या रहेगा इसमें सेम रहेगा जो समावयवी यौगिक हैं उनका फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। कौन सा फॉर्मूला सेम रहेगा, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहता है, लेकिन आयनीकरण समावयवता में डिफरेंट क्या होता है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसमें इस संकुल के अंदर और इस संकुल के बाहर, यहाँ भी आयन होते हैं संकुल में ऋणायन और यहाँ भी लिगेंड के रूप में क्या हो सकते हैं, ऋणायन हो सकते हैं। तो इस समावयवता में संकुल के बाहर और संकुल के अंदर जो आयन्स होते हैं उनका आपस में एक्सचेंज हो जाता है। एक्सचेंज होने से इनका जो ये यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनेगा वो क्या रहेगा, अलग अलग बनेगा। फिर उसके बाद में इन संकुलों की जो प्रॉपर्टीज रहेंगी फिजिकल और केमिकल वो भी क्या रहेंगी, अलग अलग रहेंगी। तो इसमें ये लिखा जाएगा कि वे यौगिक जिनका अणु सूत्र समान होता है लेकिन उनके संकुल तथा संकुल के बाहर के आयनों में आपस में एक्सचेंज या इंटरचेंज हो जाने से यहाँ वाला आयन यहाँ आ जाएगा और यहाँ वाला आयन है वो यहाँ चल जाएगा, जिससे दो अलग अलग संरचना वाले संकुल प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसे समावयवी आपस में आयनन समावयवी तथा इस घटना को या इस गुण को हम आयनन समावयवता कहते हैं। तो किसके कारण से उत्पन्न होती है, ये संकुल आयन के अंदर और संकुल आयन के बाहर आयनों के इंटरचेंज या अंतर परिवर्तन के कारण इस प्रकार की समावयवता उत्पन्न होती है। देखें इसके अंदर एग्जाम्पल लेंगे उसके बाद में लिख लेना। ठीक है, एग्जाम्पल में देखें आप, जैसे इसका एग्जाम्पल रहेगा CO(BrNH3)5SO4, ये है आपका एक कॉम्प्लेक्स। उसके बाद देखें ये होता है रेड वायलेट, लाल बैंगनी कलर का होगा ये। दूसरा इसी का एक कॉम्प्लेक्स देखें CO, यहां से आ जाएगा आपके SO4, या फिर आप पहले NH से लिखो NH3 5 SO4, और यहां पे आ जाएगा ये रहेंगे आपके कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल के रूप में। इसमें देखें आप ये रेड कलर का होता है, और इसमें देखें क्या होगा, ये वाला कॉम्प्लेक्स सेम है, मोलिकुलर फॉर्मूला CO कोबाल्ट है, NH3 5 है, Br है, SO4 है। तो इन दोनों के मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है तो इसके अंदर चेंज क्या होगा वो देखें, चेंज में ही आएगा इसके अंदर
कि यहाँ से इस वाले कॉम्प्लेक्स में ये जो Br नेगेटिव आयन है ये आयन बाहर चला गया संकुल से और SO4 नेगेटिव आयन बाहर से अंदर आ जाए तो यही कॉम्प्लेक्स बनेगा। Br बाहर चला गया, SO4 वो अंदर आ गया, बन गया। उसके बाद में हम इसकी रिएक्शन करवा देते हैं यहाँ पे BaCl2 के साथ में, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन हम इसकी किसके साथ करवाएंगे, BaCl2 के साथ में, और उसी के साथ में हम इसकी रिएक्शन प्लस में करवा देते हैं AgNO3 के साथ में। तो BaSO4 Ba+2 आयन बनाएगा, SO4 -2 आयन बनाएगा, तो Ba+2 और SO4 -2 यहां से अलग हो जाएंगे और यहाँ पे क्या बन जाएगा, BaSO4 का अवक्षेप है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। अब AgNO3 के साथ में भी संकुल की रिएक्शन करवाएं तो कोई रिएक्शन नहीं होती यहाँ पे, नो रिएक्शन। कारण ये रहेगा कि यहाँ से इसको वियोजित करने पे बनेगा Ag पॉजिटिव आयन, जबकि यहाँ पे बन रहा है SO4 -2 आयन। तो Ag पॉजिटिव पे +1 है, इसके ऊपर -2 है, एक ही मॉलिक्यूल लेना है तो ये इसके साथ में, क्योंकि इसके ऊपर +1 रहेगा, इसके ऊपर -2 रहेगा, बैलेंस ही नहीं हो रहा है। यहाँ +2 वाला आयन होता तब भी उसके साथ में की जाएगा, नो रिएक्शन। उसके बाद में सेकेंड ये देखते हैं, इसकी रिएक्शन भी वही रहेंगी। एक बार इसकी रिएक्शन हम AgNO3 के साथ में करवा देते हैं, सेकेंड इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं BaCl2 के साथ में। तो कौन सी रिएक्शन होगी कौन सी नहीं होगी, देखो आयन्स के आधार पे देखनी है अपने को। Br -1 वाला है ना -1, Ag पे +1, तो यहाँ पे AgBr का क्या बनेगा, अवक्षेप बन जाएगा, जबकि यहाँ पे Br -1 है, यहाँ पे Ba+2 चार्ज वाला है तो बैलेंस नहीं हो रहा, तो यहाँ पे क्या आएगा, नो रिएक्शन। अब इन दोनों संकुल दोनों आपस में आयनिक सामग्री नहीं है तो पता ही है, क्योंकि आयनों के संकुल से अंतर और संकुल से बाहर इंटरचेंज होने के कारण ये सामग्रीता उत्पन्न हुई थी। अभी ये जो आपस में दोनों क्या कहलाएंगे, इनका फॉर्मूला बनाएंगे, तो इसमें संकुल में एक Br जुड़ा हुआ रहता है जबकि इसमें Br नहीं होता, SO4 होता है। तो इन दोनों के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो अलग अलग हो गए, तो ये क्या कहलाएंगे, आयनन समावयवी भी कहलाएंगे। आयनन समावयवी इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इसमें संकुल के अंदर तथा संकुल के बाहर जो आयन्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे इसमें Br नेगेटिव आयन संकुल के अंदर है तो इसमें बाहर है, इसमें SO4 -2 आयन संकुल के अंदर है तो इस वाले में क्या रहेगा, बाहर रहेगा, ठीक है। ये देखना आपने उसके अंदर, तो आपस में ये आयनन समावयवी भी हो गए। अब इन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग कैसे, देखो जैसे ये है मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है दोनों का, लेकिन ये BaCl2 के साथ रिएक्शन करके BaSO4 का अवक्षेप देता है लेकिन AgNO3 के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता। लेकिन ये वाला जो इसका आयनिक समावयवी है वो कॉम्प्लेक्स AgNO3 के साथ तो रिएक्शन करके AgBr का अवक्षेप देता है, लेकिन ये BaCl2 के साथ में जैसे ये रिएक्शन करा था वैसे BaCl2 के साथ में ये रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होगी, अलग होगी। यानी इनका आयनन करेंगे तो इन दोनों का आयनन करने से जो मुक्त होने वाले आयन्स हैं वो क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। इसका आयनन करने पे SO4 -2 आयन मुक्त होंगे और इसका आयनन करने पे Br -2 आयन था वो मुक्त होते हैं। साथ में यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ये बन जाएगा CoBr NS3 5 और ये जो दो CL नेगेटिव थे ना इसकी जगह जाके जुड़ जाएंगे तो Cl2 बनेंगे। इस वाले में कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, CO NS3 5 SO4 और यहाँ पे जुड़ गए आपके NO3। ये NO3 नेगेटिव इसकी जगह जुड़ेगा, Br और इसके साथ में जुड़ेगा। ये रहेगी आपकी आयनिक समावयवी, इसमें रहेंगी वे यौगिक जिनमें जिनका अणुसूत्र समान होता है लेकिन उनमें संकुल के अंदर तथा संकुल के बाहर ऋणायनों के अंतर परिवर्तन के कारण से संकुलों का जो संरचनात्मक फॉर्मूला होता है, संरचनात्मक सूत्र है, वो अलग अलग हो जाता है। इसलिए इस प्रकार के यौगिक हैं वो आयनन समावयवी भी कहलाएंगे तथा इस गुण को या इस घटना को आयनन समावयवता बोल देंगे। और जो आयनन समावयवी भी होते हैं उनका आयनन करने पे मुक्त होने वाले आयनों की जो आयन्स होते हैं उनकी प्रकृति क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी, क्योंकि ऊपर वाले में आयन्स है वो SO4 -2 मुक्त होगा जबकि नीचे वाले कॉम्प्लेक्स में
जो आयन है वो बी आर नेगेटिव मुक्त होता है। ये रहेगा इसका एग्जांपल। इसके अलावा आप और एग्जांपल भी देख सकते हो आयन समूह में, जैसे ये देख लिया हमने पी टी बी आर टू एन एस थ्री फोर, यहाँ पे क्या लिख देंगे सी एल टू लिख देंगे। इसी का आयनन समावेगी कौन रहेगा पी टी सी एल टू, इस बार दोनों सी एल टू अंदर चले जाएंगे बी आर टू बाहर आ जाएंगे, तो एन एस थ्री फोर और यहाँ पे रह जाएगा बी आर टू। तो ये दोनों भी आपस में इसी प्रकार से आयनन समावेगा दर्शाएंगे, ये वाला आयनन करने पे टू सी एल नेगेटिव आयन देगा और ये वाला आयनन करने पे बी आर टू बी आर नेगेटिव आयन देगा। फॉर्मूले सेम है, प्लेटिनम है बी आर टू है एन एस थ्री है और सी एल टू है, फॉर्मूले सेम है लेकिन संकुल के अंदर और संकुल के बाहर ऋण आयनों की संख्या ऋण आयन क्या है अलग अलग है, बी आर टू बाहर गया सी एल टू अंदर आया ये बन गया। तो ये दोनों भी आपस में आयनन समावेगता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसके अंदर जो थर्ड आइसोमेरिज्म रहेगी इसके बाद में वो रहेगी आपकी हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म, थर्ड रहेगी हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, हाइड्रेट समावेगता भी बोल देते हैं इसको, हाइड्रेशन या फिर इसको हम हाइड्रेट समावेगता भी बोल देते हैं। ठीक है, ये हाइड्रेट समावेगता भी आयनन समावेगता की तरह ही है लेकिन चेंज क्या होता है इसमें कि एक आयन जो संकुल के अंदर बाहर चेंज होता है वो एक क्या रहेगा H2O रहेगा, यहाँ पे तो कोई भी दो हो सकते हैं लेकिन इस समावेगता में इन दोनों में से किसी एक की जगह क्या रहेगा H2O रहेगा। तो हाइड्रेट समावेगता है वो हम कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही।